नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 24 फरवरी 2022 जानते हैं आज का अमरूद का मंडी में क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों जैसे मैं हर बार बताता हूँ, वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। मंडी बहुत बड़ी है, यहाँ पर भी जब भी आप आए घूम फिर के माल लो और घूम फिर के माल बेचो। जानते हैं आज भाई साहब की दुकान पे जैसे बेर आया, अमरूद आया और वीएनआर अमरूद, राजस्थान वाला अमरूद, ये सवाई माधोपुर का। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का कैसा बाजार रहा जी? राणा जी आज का बाजार तो बहुत डाउन है। अच्छा जी, कल के मुकाबले भी डाउन है आज। क्या बात जी, पता नहीं बाजार में उठाव ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, नहीं है, देखो पूरी मंडी भरी पड़ी है। अच्छा, सबके पास माल है जी? आपके माल बैलेंस पड़े हैं, ये वीएनआर तो वीएनआर, लोकल भी भरा पड़ा है। अच्छा जी, आज इसका कल के मुकाबला कैसा है जी? कल के मुकाबले भी आज 5 रुपये उतरा हुआ बाजार। अच्छा, तो बढ़िया वाला वीएनआर क्या रेट का है जी? बढ़िया वाला वीएनआर 50-55 रुपये। 50-55 रुपये, जो कोई बहुत ही अच्छा होगा तो 60-65 बिक जाए तो बिक जाए, नहीं तो 50-55। अच्छा जी, और नीचे में जी, डाउन में जी? डाउन में वही जो जैसे बिक जाए 40-45, या वो जैसे वो मोटा माल है। हाँ जी, वो ही बिकेगा 35-40 रुपये। अच्छा, वो 35-40 रुपये। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मोटा है। अच्छा जी, अच्छा। और आज का ये बेर जी है? बेर का बाजार वही है 18-20 रुपये, 18-20 रुपये किलो। और अपना सवाई माधोपुर की क्या पोजीशन जी? सवाई माधोपुर और दिन के मुकाबले डाउन है आज। हाँ जी, आज जो बढ़िया माल है वो बिके 30-35 रुपये। अच्छा जी, हल्के मालों का कोई बाजार नहीं है, 25-26 रुपये। तो सारे जहाँ जहाँ तक नजर जा रही, सारा माल बैलेंस पड़ा जी? सारा बैलेंस पड़ा है मंडी में, देखो ना, ग्राहक ही नहीं है पूरी मंडी में, कहीं कोई ग्राहक नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। चलो पहले ज्यादा तेजी आई ना जी, तेजी के बाद मंदा आएगा जी, हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, तेजी के बाद बिल्कुल मंदा आया, लेकिन बहुत ज्यादा मंदा आया। चलो कोई नहीं, बिक जाएंगे जी, आएगा जो कोई खाने वाला जी इसका जी। धन्यवाद दोस्त। ओ फिर थारा बोर्ड कहाँ, जब तो लिया। अच्छा ये है दोस्तों, इनके मोबाइल नंबर है। तो बात करते हैं रिहान फ्रूट कंपनी पे। जानते हैं रिहान फ्रूट कंपनी पे भी आज का जो इनके पास ये अमरूद आता है, ये अपना देसी वाला अमरूद और सवाई माधोपुर का और अपना वीएनआर अमरूद के स्पेशल बेचने वाले और जिनका ईरान सेब में भी काफ़ी बड़ा काम है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, मैं आपको वहाँ 9 नंबर सेड और 10 नंबर सेड दोनों जगह पूछ के, क्या है सेब में थोड़ी सी तेजी है क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ पड़ गई थी, तो उसके कारण सेब में बहुत ज्यादा तेजी थी, इसलिए सुबह 8 बजे सेब बिक चुका था। अच्छा जी, आज कश्मीर वाला काफी कम आया जी माल, काफी कम आया क्योंकि रास्ते हो गए बंद। अच्छा जी, दो दिन कश्मीर का कम आएगा तो ईरान वाला सेब सुबह 8 बजे तक बिक जाएगा। अच्छा जी जी, तभी आप फिर यहाँ वहाँ मिले नहीं जी? जी जी जी। तो आज का कल के मुकाबले कैसा बाजार रहा जी ईरान वाले का जी? ईरान वाले का 50 रुपये की तेजी है, कल हमने 650 बेचा तो आज 700 रुपये बेचा है। वो कितने किलो वाली क्रेट जी? ये 7 किलो वाली। 7 किलो वाली क्रेट आज कितने की? 700 की जी? 700 की, यानी 100 रुपये किलो पड़ गया। 100 रुपये किलो। अच्छा जी, और जो बड़े वाली ट्रे है जी, उसमें बड़ी आती थी वो बिका 1000 रुपये का, उसमें थोड़ा सा टचिंग की शिकायत थी तो इसलिए 1000 रुपये बिका। अच्छा जी, वो क्या किलो की क्रेट थी? वो 10 किलो की। 10 किलो की जी। अच्छा जी, अच्छा, तो यानी आज बिक लिया जी सेब? वो सेब बिक लिया राणा जी। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा आज मंदा है, कल से भी ज्यादा मंदा राजस्थान वाला पूरा। हाँ हाँ, हम मोनू भाई पे जाके आया मैं भी, वो कह रहे इधर सारा ही माल नीचे से ऊपर तक ये सब माल पड़ा है। और ये कल मेरे भाई ये माल आया है वीएनआर वाला। हाँ जी, कल तो 60 रुपये का बिक रहा था, आज इसको 50 में भी कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा जी, और सवाई माधोपुर भी है तो काफी, सवाई माधोपुर 25-30 रुपये का बाजार है अच्छे माल का। 25-30 रुपये, 25-30। ये माल कारण क्या है इतना माल पड़ा जी? गर्मी पड़ गई, गर्मी में क्या एकदम माल तैयार हो गया तो इसलिए अराइवल बढ़ गया। अच्छा, थोड़ा मौसम ठंडा रहता तो थोड़ा धीरे 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 माल आता। अच्छा जी, तो एकदम गर्मी पड़ने के कारण एकदम माल माल गया। जैसे आज सारे आढ़तियों के पास ये डंप लगे पड़े जी है अनार के, इसके अमरूद के जी, माल के, फिर तो बाद में और मंदा जाएगा भाई, बाद में और मंदा जाएगा, कल पीला हो जाएगा, पक जाएगा, कल खराब होगा माल। अच्छा जी जी, अच्छा जी, बाकी ये भाई भी सब लेके बेचते थे। हाँ जी, किसी ने माल ही नहीं लेके। अच्छा, यहीं से यहीं लेके यहीं बेचते हैं जी ये, एक दो दो डब्बा करके बेचते हैं जी। आपका तो होलसेल का ही काम है ना जी? हाँ जी, आप तो लोट का लोट बेचते हैं जी पूरा जी। मगर आज के ग्राहक ही नहीं है, सब ऐसे कैसे माल पड़े हुए, काफी माल इधर भी रखे हुए हैं, तो ये भी रखे हुए। चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे करके बेचो जी, निपटाना तो पड़ेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, किसान भाइयों को तो नुकसान ही है। हाँ जी हाँ, क्या कर सके जी, पहले ज्यादा तेजी के बाद में ऐसा मंदा मंदा हो गया। सोमवार को बाजार बहुत तेज था, आप देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार आज बहुत ही मंदा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर? रिहान फ्रूट कंपनी अपनी फर्म है, फरमान नाम है मेरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9818188776। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। तो बात करते हैं अनार की। जानते हैं अनार का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, यहाँ तो बोली चल रही, जान लेंगे अनार की आज कितनी मंडी में गाड़ियाँ हैं, क्या पोजीशन चल रही, जो ऐसे मोटे वाले अनार है क्या रेट बिका,
मोटे छोटे सबका मेन जो चीज़ है गाड़ियों की होती है, जान लेंगे आज की क्या पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का अपडेट करो, अनार का कितनी गाड़ी है जी मंडी में जी? अनार की है लगभग 20 गाड़ी के करीब। 20 जी, आज तो अराइवल बड़ी जी फिर? अराइवल है, उठाव कम हो गया अनार का यार थोड़ा। अच्छा जी, फर्क पड़ गया, बाजार मंदा हो गया पहले से। अच्छा हाँ, कल से आज बाजार कितना डाउन है जी? कल से 50-100 रुपए डाउन है। 50-100 रुपए डब्बा यानी 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। अच्छा जी, ये कहाँ वाला माल है जी? ये राजस्थान है। अच्छा जी, ये जो कितने दाने हैं जी? 10 दाना 10 दाना 10 दाना बोलते हैं जी इसको। तो इसका क्या रेट चला जी आज? ये बिकेगा 1000 रुपए। 1000 का जी? हाँ। अच्छा जी, इससे मोटा भी होगा जी वैसे? नहीं नहीं मोटा चाहिए, सबसे बम्पर यही है जी। 300 से लेके 1000 रुपए तक रेट है, अब जो नॉर्मल रेट आ गए ना यही है। अच्छा जी, अब यही रेट रहेंगे, थोड़ा सा उठाव कम हो गया। अच्छा जी, और ये हरे से जो बोली हो रही है कहाँ के माल है जी? अरे सोलापुर है। सोलापुर का जी, पंडरपुर के माल है। अच्छा, इनका क्या बाजार चल रहा है जी? ये हल्के माल है, 200 से लेकर 600 रुपए तक, 250 रुपए जूस माल है। जिनके अंदर खाने बाट बहुत बढ़िया होगी इसके। अच्छा, बस खाली बाहर के कलर का फर्क है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब सस्ते वाले जूस वाले और रेडी पटरी वाले यही मांग रहे हैं। अच्छा जी, अब कटिंग ठीक होगी, एक हफ्ते से ना इसकी कटिंग ठीक होगी। हाँ हाँ, जितना टाइम अब आगे बढ़ता जाएगा ना लोड कटिंग अच्छी होती है। अंगूर कल आई है, आज वीरवार है, मंडी बंद है। अच्छा, 2 दिन मंडी बंद रहती है। हाँ हाँ। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने। ठीक है दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। कश्मीर वाले सेब की, जहाँ पर कश्मीर वाले सेब की सारे में रौनक होती थी, आज वो सारा बाजार खाली है। जान लेंगे आज का मंडी का क्या कुछ रेट चला। देखो इधर भी खाली बैठे, माल तो आया, कश्मीर की गाड़ियाँ तो खड़ी पर कम है। देखते हैं किसके पास माल है किसके पास नहीं, क्या कुछ रेट चलेगा आज। सारा मैदान खाली आज तो, जान लेंगे आज तो जो रेट बताते थे। ये भी थोड़ी बहुत ही पेटियाँ, ये तो हिमाचल वाली पड़ी, कहाँ से आई, कुछ वैसी पैकिंग ये बना रहे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार, आज क्या बात जी, खाली बैठे जी? इधर भी मार्केट सारी खाली खाली जी। आज आज राणा जी मेरी गाड़ी नहीं पहुंची है अभी। अच्छा, मंडी के अंदर आज नहीं पहुंची, लेट हो गई है, अब कल पहुंचेगी गाड़ी। अच्छा, कितनी गाड़ियां हैं जी आज टोटल मंडी में? मंडी के अंदर आज गाड़ी समझो आप 20-22 गाड़ी होंगी। तो अभी तो जी सारा प्लेटफार्म वो परला साइड भी, 9 नंबर साइड भी, 10 भी खाली पड़े जी। ये 20-22 गाड़ी क्यों कम आई जी फिर? ये एक्चुअली में रास्ता भी थोड़ा डिस्टर्ब है, मतलब बंद था 2 दिन के लिए। हाँ जी, हाँ बर्फबारी हुई है अच्छी खासी, मतलब जो है कश्मीर के अंदर। अच्छा जी, 1.5-2 फुट बर्फ हुई है, वो तो उसकी वजह से रास्ता में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अच्छा जी, हाँ तो गाड़ी है मंडी में अंदर मतलब 20-22 गाड़ियाँ हैं टोटल। तो जैसे 20-22 गाड़ियाँ आई तो रेट में फर्क पड़ा जी कुछ? नहीं, रेट में राणा जी जहाँ तक रेट का सवाल है, रेट में कोई फर्क नहीं है। ये क्या बात जी, जो रेट मतलब ऑलरेडी चल रहा है वही रेट है समझो। हाँ जी, जो समझो डब्बे का मतलब सीए डब्बे हैं वो समझो डिलीशियस के 700 रुपए से लेके, और जो कुल्लू डिलीशियस वगैरह है 1000 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा जी, जो बढ़िया माल है 1000 कुल्लू डिलीशियस और 1050 रुपए। अच्छा जी, और जो जहाँ तक पेटियों का सवाल है उसमें भी थोड़ी सी जो ताज़े माल है उसमें भी थोड़ी सी दागी की प्रॉब्लम आ गई है, वो भी जो है, लेकिन जो बढ़िया माल है 1000 से लेके 1200 रुपए तक बिक रही है पेटियाँ। अच्छा जी, जो रेट मतलब पिछले हफ्ते में चल रहा है वही रेट है समझो। अच्छा जी, ना ऊपर है ना नीचे है। और सब्जी मान लो और फ्रूट कम आए मंडी में, सबका रेट उठ जाता है जी। सेब का रेट क्यों नहीं उठता? जैसे 22 गाड़ियां तो कोई ज्यादा ना जी, 20-22 गाड़ियों में। जहाँ तक सेब की बात है, ईरान का सेब भी काफी आ रहा है। अच्छा जी, हाँ तो उस वजह से भी थोड़ा हमारे आज मंडी में अराइवल ज्यादा है जी उसकी? नहीं आ रहा है, मतलब अराइवल ज्यादा नहीं है जैसे चल रहा है इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा ज्यादा है ईरान। अच्छा जी, उस वजह से हमारे जो कश्मीरी भाई हैं किसान भाई, उनका भी थोड़ा नुकसान ही हो रहा है इस वजह से, ईरान की वजह से। अच्छा जी, हाँ तो मार्केट का जहाँ तक सवाल है, मार्केट समझो डब्बों की मार्केट 700 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक है कुल्लू। जो यहाँ से मान लो 200-400 या 500 किलोमीटर तक के ले जाने वाले हैं, वो तो नहीं ईरान का सेब लेते जी? नहीं, वो भी लेते हैं, जो NCR के लोग हैं जो 10-10, 20-20 पेटी लेने वाले, वो भी 2-2, 4-4, 5-5 करेट ले जाते हैं। अच्छा, मतलब सेब ईरान का सेब जो है काफी हद तक जो है मार कर रहा है मतलब कश्मीर के सेब। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को इस पे मतलब समझो आप ये समझ कर ले 100-150 रुपए नग पे जो है मार है। तो इस साल ज्यादा है जी कि पहले भी आता था जी? नहीं, पिछले सालों में भी काफी ईरान आया है। अच्छा जी, हाँ, और अब जैसे बीच में कम हो गया था, लेकिन अब दिन पे दिन जो है बढ़ रहा है ईरान का। अच्छा जी, जो सीए का माल है जो किसानों ने रखा है पिछले साल ज्यादा था जी स्टोर में रखा? देखो है पिछले साल की जहाँ तक बात है राणा जी, पिछले साल जो है माल कम था सीए में। सीए में नहीं, मतलब जो है फसल जो है कम थी। अच्छा जी, हाँ, और इस साल फसल भरपूर है और सीए में सभी लोगों ने माल ज्यादा रखे हुए हैं। अच्छा जी, तो उस वजह से भी बाजार में थोड़ी गिरावट है,
माल काफ़ी है तो, और ईरान का सेब भी ज़्यादा। तो इसमें जैसे गर्मी के मौसम में आपने कितना उतार चढ़ाव देखा जी टमाटर इसके सेब में, जैसे सीए का माल चलता है? देखो लास्ट ईयर तो जो है अनोखा साल था जो है, लास्ट ईयर तो रेट बहुत ज़्यादा थे। अच्छा जी। हाँ, तकरीबन 2000 का डब्बा भी बिक जाता था, लास्ट में बिका है 2100-2200 रुपये तक बिका है। अच्छा जी। और बाकी वो साल जो है पिछले साल वाले रेट इस साल कहाँ आएंगे? नहीं, मंदा कितना देखा आपने कम से कम? ये देखो इसमें तो मंदा तेज़ी काफ़ी आता है राणा जी। हाँ जी, इसमें कोई वो नहीं है, फ्रूट के काम में कोई मंदा और तेज़ी नहीं है। हाँ, अराइवल के ऊपर और फसल जितनी ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐसा भी देखा भी है जो कश्मीर वाला सेब है अभी ज़्यादा रख लियो स्टोरों में, ज़्यादा मंदा पड़ गया इसका गर्मी में, ऐसा भी हुआ? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी जो है अराइवल के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अच्छा, जैसी अराइवल आएगी उसी हिसाब से चलता रेट चलेगा। बाकी ये ईरान का सेब जो है मार कर रहा है, इस वजह से थोड़ा वो है, और मंडी के अंदर ज़्यादातर लेस कलर माल आ रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा जी। और जो ये नॉर्मल स्टोरों के माल हैं जो डब्बों में पैक हो रहे हैं उनका रेट 500 से लेके 700 रुपए तक, और जो सीए के डब्बे हैं वो 700 से लेके 1000 रुपए तक। 8 महीने आप सेब बेचते हैं, उसके बाद फ्री जी? हाँ जी बिल्कुल, साल में 7-8 महीने सेब का ही काम है। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जानकारी मिली जी आपसे। सर जी, दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जी? हमारी फर्म का नाम है अरी फ्रूट ट्रेडर्स, 2722 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। हाँ जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 9891195701। अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप, थैंक यू। करते हैं नारियल की, जानते हैं नारियल का मंडी में आज का क्या बाजार चला हुआ, हिसाब से नारियल की आज क्या कुछ बिक्री रही। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, कल के मुकाबला कैसा बाजार है जी आज? बाजार बहुत डाउन है। अच्छा जी, बिल्कुल ग्राहक नहीं, कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या रेट का है, क्या रेट आज है। तो नारियल की जगह रोटी खा रहे जी तो बैठ के, खाली क्या करें, खाली ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा जी। आज का रेट मार्केट का 26 रुपए का टेम्पू है, और पन्नी का रेट है यहाँ का 27-28 रुपए, जो पैकिंग वाली जी, जो पैकिंग वाली पन्नी, और जो परचून का जी वो छांट कर दाने वाले, जो रेट बिक जाए, कोई परचून मध्य में कोई परचून ही नहीं, 30 बिक जाए, 28 बिक जाए, जो रेट बिक जाए। अच्छा जी, डाउन है जी कल से भी, और कल की भी गाड़ियाँ बैलेंस है जी? हाँ जी, कल की भी बैलेंस है। और आज नई कितनी आई? 18 गाड़ी आई है सर। 18 नई जी? हाँ जी। अच्छा जी, काफी डाउन जा लिया जी फिर तो। बहुत डाउन, देखो कोई ग्राहक नहीं है, जिसके जो ऑर्डर है वही है, पूरी मंडी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, ये खाली टेम्पू खड़े हुए हैं सर। अच्छा, यानी खाली लोड करने के लिए, पर ग्राहक नहीं है जी? नहीं, ग्राहक कोई नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर? दुकान नंबर 619 आजादपुर मंडी। और अपना नाम, अपना असली नाम क्या है भाई? मेरा असली नाम है जगदीश। अच्छा जी, जगदीश जी, तो अपना मोबाइल नंबर धीरे बोल दो। मोबाइल नंबर है हमारा 9999-623-724। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, सबसे निचले वाला नंबर इन भाई साहब का है ये देखो। तो बात करते हैं अंगूर की, इन भाई साहब के पास भी अंगूर आता है, जानते हैं इनके पास आज का क्या कुछ रेट चला। जैसे इनके पास ये हरे वाला, काले वाला अंगूर, और इनके पास ये सेब भी आता है भाई साहब के, हिमाचल वाला। हाँ जी भाई साहब, दोस्त क्या नाम है दोस्त अपना? मेरा नाम है बल्लू। बल्लू, तो भाई साहब ये सेब कहाँ वाला आ रहा जी है? ये स्टोर का रखे हुए है माल। ये हिमाचल है कश्मीरी है? ये कुल्लू है। कुल्लू? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, इसका क्या बाजार है भाई? इसमें बाजार चल रहा है 800-900 रुपए इस टाइम। 800-900 रुपए पिट्टू? हाँ जी। अच्छा, कितना वजन है इसमें? इसमें वजन है 26-27 किलो। अच्छा, हिमाचल वाला नहीं आता, दूसरा अपना शिमला वाला जी? शिमला वाले भी आता है सर। अच्छा जी, वो नहीं खोला जी अभी? नहीं, अभी स्टोर में वो पड़े हुए ना, उस साल स्टोर में नुकसान ज्यादा है। क्या बात है, स्टोर में माल में पता नहीं क्या हो गया, तो टचिंग की शिकायत आ गई है। अच्छा जी, ये तो माल टचिंग हुई होगी, पहले स्टोर में तो नहीं आनी चाहिए वैसे कोई? नहीं, स्टोर में पता नहीं टचिंग की शिकायत आ गई, तो उससे क्या मार्केट डाउन चल रही है। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चल रहा जी पिट्टू का जी? ये 800-900 रुपए सीजन के अंदर बिक रहा था, 1200-1300 रुपए। अच्छा जी, और अब 800-900 रुपए? अब 800-900 रुपए लग रहा है। अच्छा जी, और हिमाचल वाले का क्या चल रहा है? हिमाचल 1100-1200 रुपए पिट्टू बिक रहा है, जो सीए के माल है उसका रेट है। अच्छा जी, और जो हिमाचल वाले बढ़िया जी, वैसे बढ़िया वाला बिक रहा है वो 2+ है। 2+ यानी 2000+? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किन्नौर वाला भी रखते हो आप? हाँ, किन्नौर वाला भी रखते सर। किन्नौर का क्या चल रहा है? वो भी 2+ ही है। 2+? हाँ जी। अच्छा जी, और इसका अंगूर का क्या बाजार चला? अंगूर सर 2 दिन पहले बड़े अंगूर के बाजार थी, आज 450-450 रुपए रेट हो गया अंगूर का। 2 दिन पहले क्या था जी? और 500-600 रुपया। आज तो मंडी बंद है वीरवार की जी? ये कल का बैलेंस माल पड़ा होता ना, तो इसलिए आज मंडी में बेचना पड़ता है। अच्छा, एक हफ्ता में 2 दिन मंडी बंद होती है? हाँ, एक आज वीरवार के दिन, वीरवार और संडे। संडे को मंडी बंद, संडे पूरी मंडी बंद रहती है। अच्छा, आज का क्या बाजार खोला जी इसका? ये 400 रुपए चला है। ये कहाँ वाला जी है? ये सोलापुर की अंगूर है। सोलापुर का जी, और ये ब्लैक वाला जी है? ये नासिक की है। अच्छा जी, ये तो छोटा बॉक्स है जी काफी। ये 200 रुपए चला है। और वजन कितना है इसमें? इसमें 4 किलो वजन है। 4 किलो वजन, 200 रुपए।
और ये दूसरा क्रेट वाला भाई, वो क्रेट वाला 400 रुपए, ये 350 रुपए चलाया है। अच्छा जी, डाउन है जी इसका भी, डाउन है 100 रुपए डाउन है मार्केट। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद दोस्त भाई जानकारी देने के लिए। दोस्त अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर? मैं केजे फूड से बोल रहा हूँ, A993। हाँ जी, और मोबाइल नंबर? 9718604544। दोबारा बोल दो, 9718604544। धन्यवाद दोस्त। करते हैं मौसम्मी की और किन्नू की, क्योंकि ये किन्नू है जो अच्छे वाला इंपोर्टेड किन्नू बोलते हैं। एक किन्नू आता है जिसकी मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, लूज वाला किन्नू क्रेटों में, ये जो है वैक्स वाला इंपोर्टेड किन्नू होता है। जानते हैं उसका भी और इस किन्नू का और मौसम्मी का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, जिनका 12 महीने मौसम्मी का ही काम है। वैसे सीजन लिए किन्नू भी बेचते हैं और सीजन में आम भी बेचते हैं, इनका काफ़ी बड़ा, वैसे ज़्यादातर इनका मौसम्मी का ही काम है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का अपडेट करो। 16 गाड़ी मौसम्मी की आज है मंडी में। हाँ जी, 30 रुपए से लेके 38 रुपए जा रहा है। 4 नंबर बिका 30 रुपए का। हाँ जी, 3 नंबर बिका 34-35 का। अच्छा जी, बिका 37-38 का। अच्छा जी, हाँ जी। और जो मंगू माल आता है वो 28-30 का बिका है, मंगू काले पर जो माल होता है। अच्छा अच्छा, काले पन पे आ जाता है जी, उठा हुआ माल का मंडी में। अंदर तो उसमें भी बड़ी होता है जी, माल बड़ी होता है, बाहर से काला होता है, जूस वाले को सही रहता है वो। अच्छा, यानी छिलक छिलक काला होता है। छिलक होता है, बाकी ठीक है जी। बाकी भाई किन्नू की 15 गाड़ी है, क्रेट और डब्बा मिला के, डब्बा वही बाजार है 400 से 500 तक। 400 से 500, 10 किलो का जी। 11 किलो होता है इसमें। अच्छा 11 किलो जी। और क्रेट बिकी है 500 से लेके 200 तक 1000 तक। 500 से 900 1000 तक जी। बढ़िया माल 900 हजार तक, इसमें वही होता है 24 किलो। अच्छा, और जो लूज किन्नू आ रहा जी, वो लूज किलो बिक रहा है 20 रुपए लेके 25 रुपए तक, वो गिराल होती है, उसके अंदर मिक्स होती है गिराल। अच्छा जी, दूसरा ले जाते हैं। एक जोन सा दूसरा वाला आता है जी क्रेटो में, जोन सा अलग अलग, वो क्रेटो में दूसरे माल आते हैं, सेकंड माल होते हैं सारे, उनके बिकते हैं 20 रुपए लेके 40 रुपए तक, 20 रुपए से 40 रुपए किलो। क्रेट वापसी करते हैं लोग ना, हम लोग क्रेट साथ देते हैं। अच्छा, ये क्रेट आपकी जो भी क्रेट है साथ चली जाती है, वो वापसी लेते हैं, वो तोड़ के माल देते हैं। अच्छा, ये क्रेट तो बढ़िया वाले जी, टमाटर वाली, ये टमाटर वाली हमारी साथ जाती है। अच्छा, ये भी साथ जगह रखने की हरी हमारे पास तो साथ जाती है। अच्छा जी, ये लोडर ले आते, लोडर ले आते, क्रेट बिकती है जी, तो 80 रुपए बिक जाती है। अच्छा जी, अच्छा। बाकी और 10 दिन के बाद आम शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा जी, आपके बारे में बताइए, आम कौन सा आएगा? तोता परी आएगा शुरू में, पहले सफेदा आता है। अच्छा जी, तोता परी भी आती है। अच्छा जी, फसल लेट है आपकी सर। अच्छा जी, अच्छा। बाकी आप झंडे मंदिर की बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों मैंने इनकी बाबू जी की बात मानी पिछले मंगलवार को, कोई फिर बताएंगे किसी दिन रहस्य। हाँ जी, मैं इनके कहे से झंडे वाला मंदिर गया जी, और मेरे जो काम काफ़ी दिनों से रुका पड़ा था वो काम सारा हो गया, तो इसीलिए जयकारा माँ झंडे वाली का, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बात करते हैं संतरे की, जानते हैं संतरे का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, जो संतरे की कितनी गाड़ियां हैं। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का अपडेट करो संतरे का जी, कितनी गाड़ियां जी? करीबन जो है 25-26 गाड़ियां हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है कि आज एक रुख पकड़ा है कि भवानी मंडी पीछे हो गई। अच्छा, तो आज लेन के संतरे जो थे मेरे पास, 2 गाड़ी लेन की थी, एक गाड़ी भवानी मंडी की। अच्छा, आप देखिए भवानी मंडी मेरे पास, प्रेम जी थोड़ा सा भवानी मंडी पे रख दो। अच्छा जी, ये सारा भवानी मंडी पड़ा जी, टोटल भवानी मंडी मेरे पास पड़ा हुआ है एमपी का। हाँ जी, और जो हमारे पास लैन के संतरे आए ये वाले, हाँ जी, ये टोटल हमारे बिक चुके हैं। अच्छा, ये बिक लिए जी? हाँ, ये बिक लिए, इनके 71 जो है। अच्छा जी, भवानी मंडी की कितनी गाड़ियाँ आ रही है आज? भवानी मंडी की कम से कम आज 12-13 गाड़ियाँ। अच्छा जी, 12-13 पीछे रह गई जी लैन से, आज रेट पीछे आ गया। अच्छा, क्योंकि वो बीच में तो बहुत अच्छा रेट था, पब्लिक खुशी से लेके भी गई, मगर क्या है कि इनमें साइज नहीं है। अच्छा जी, इनके अंदर जो भवानी मंडी में उसमें थोड़ी साइज की मार पड़ गई है, छोटा साइज, बाकी तो संतरे मीठे हैं, क्वालिटी ठीक है, मगर क्या है कि छोटी साइज करके ना ग्राहक थोड़ा पीछे हट रहा है। अच्छा जी, और लैन के संतरे मोटे हैं, और साइज भी बढ़िया है, संतरे की क्वालिटी भी चिकनी है। हाँ जी, जो पीछे आ रहे थे उनसे बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। अच्छा, उनके 71 जो है 1100-1250, उनके 91-900-850, 1000 रुपये तक, और जो 41 है वो 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये। अच्छा जी, 1650 रुपये वो 41 बिक रहे। अच्छा, और 96 उनके लाइन वालों के मतलब 1000 रुपये से लेके 1300-1350 रुपये। अच्छा जी, यानी लैन वाले की आज ज्यादा डिमांड है, लैन की डिमांड आज अच्छी रही है। अच्छा जी, भवानी मंडी थोड़ी पीछे हो गई है। अच्छा, मगर क्या है कि परचून वालों को थोड़ा सस्ता चाहिए, जिस कारण वो थोड़ा हमने रेट गिरा दिया है। ये क्या रेट किया, क्या रेट है? 550।
550 का चल रहा है। हम 500 का भी दे देते हैं खरीदार को, चलो यार कमाओ जाके। अच्छा, जब ये कमाते हैं दौड़ेंगे, यही 600 का ले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, 700 का ले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा धीरे स्लो चल रहा जी, स्लो चल रहा है। अच्छा जी, भवानी मंडी के संतरे अच्छे हैं हमारे पास, क्वालिटी भी ठीक है। अच्छा, आप बताना जरा प्रेम जी, ये जरा 71 दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, 71 देख लीजिए आप। अच्छा जी, साइज ठीक है, मगर क्या है ग्राहक के दिमाग में क्या घूम रहा है हमें समझ में नहीं आई। चलो कोई नहीं, गर्मी भी पड़ गई ना, ये गर्मी भी हो गई थोड़ा, गर्मी भी होगी, मगर एकदम बाजार नीचे आने का चांस नहीं था। अच्छा, इस तरह ये भवानी मंडी नीचे आई है। अच्छा, मैं तो भाइयों को यही सलाह दूंगा कि ये भवानी मंडी वाले 2-4 दिन दिल्ली के लिए रुक जाए, नहीं तो ये दिल्ली एकदम नीचे आने पर फिर ये भवानी मंडी उठेगी नहीं। अच्छा, अगर आप 2-4 दिन छुट्टी रखेंगे भवानी मंडी ऊंची हो जाएगी, फिर आप माल जितना मर्जी दे, फिर माल खपाएंगे कहां, वो रेट भवानी मंडी के काफी तेज है, वहां पर जंगल तेज होता जा रहा है, इधर मंदा हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भवानी मंडी वाले जरा 2 दिन छुट्टी रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कईयों का तो बिना छुट्टी के काम चलेगा नहीं ना जी, जाएंगे कहाँ, दिल्ली नहीं खाएगी तो कौन खाएगा उसको जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, छुट्टी का मतलब ये होता है कि भाई जो गाड़ियाँ 3 भरता है उसका फर्ज बनता है एक गाड़ी निकालना। हाँ जी हाँ जी, अब क्या है कि वो गुस्से में आगे 4-4 गाड़ियाँ ठोकते हैं, वो बेकार है क्योंकि बाजार मंदा है इसी कारण। नहीं फिर ये पेड़ पे खराब होंगे जी, रोक पेड़ पे भी नहीं रोक सकते जी इनको। नहीं नहीं, रोकने वाले नहीं, संतरे तो अभी रुकने वाले हैं इसके भवानी मंडी के। अच्छा जी, अगर ये 1 महीना भी ना तोड़े तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, क्योंकि अभी तो नवा संतरा है ये। अच्छा जी, इनको पानी वानी छोड़े, इनका साइज बनेगा, फिर इनके पैसे भी बनेंगे। 5 तारीख के बाद जो है भवानी मंडी के सिवा लैन संतरा बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, और वो भी तेज हो जाएगा और इनका भी भगवान सुन लेगा और इनके भी पैसे बनेंगे। धन्यवाद जी सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस। हमारी दुकान विक्की ट्रेडर्स है, B 802-803 है और 25 नंबर खंबा 18 नंबर शेड में हमारी सेल पॉइंट है। अच्छा जी, और फ़ोन नंबर जो है 9811-7144। किसी भाई किसान को लगाना हो एक आधी छुट्टी करके माल बढ़िया, अगर आप यहाँ पर भेजेंगे तो उसकी बिक्री एकदम उठेगी, बाकी सब ठीक ठाक है। बात करते हैं तरबूज की, जानते हैं तरबूज का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां आई तरबूज की, जान लेंगे जो सेरा भाई स्पेशल तरबूज के बेचने वाले और इनके पास अपना ये सरदाता है, जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है आज की। सर जी नमस्कार जी। राम राम जी। सर जी आज की तरबूज की कितनी गाड़ियां आई जी? आज तरबूज की गाड़ी लगभग मंडी के अंदर 35-36 गाड़ी टोटल। बल्ले बल्ले बल्ले, तो फट्टे चक दिते जी, फिर तो फट्टे चक दिए, शादी खत्म हो गई तो फट्टे चक नहीं है। अच्छा जी, शादियों के बाद में ये माल बिकना हो गया बंद। अच्छा जी, बैलेंस कभी 20 आई बैलेंस, 10 आई बैलेंस। अच्छा जी, फिर 10 आई बैलेंस। अच्छा जी, आज भी कहीं बैलेंस, इसलिए थोड़ा माल ये ज़्यादा बैलेंस हो गया। अच्छा जी, और तरबूज जो वहाँ से खरीदारी करी है, हाँ जी, उस रेट का यहाँ बिक रहा है, किराया भी गया डब्बा भी गया। अच्छा जी, हाँ जी। ओहो, आज का क्या रेट चलाया जी फिर? आज का रेट कुछ नहीं है, 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में रेट है। अच्छा जी, डब्बा पैकिंग, डब्बा पैकिंग लूज में 15 रुपए से किलो से लेके 16-17 रुपए किलो, इससे ज्यादा। अच्छा जी, और सर्दे की भी ज्यादा आ रही जी? सर्दे की गाड़ी आज कम से कम भी मंडी में 25 होंगी। बात तो मौज करवाओगे लोगों के? देखो ये घुमाओ, ये 10 किलो के डब्बे रखे हैं। अच्छा जी, महाराष्ट्र वाले नयाब। अच्छा जी, 10 किलो के डब्बे महाराष्ट्र वाले। हाँ जी, इसलिए भाई बिक्री कम है आज। हाँ जी, साया खत्म हो गया और किसानों का मजे आ गए। हाँ जी, और लेने वाले चौपट हो गए। अच्छा, किसानों का मजे कहे में आ गए जी? वो तो जब माल खरीदारी करके देते हैं ना वहीं से खेतों में से। अच्छा जी, ये खरीदारी का माल है खेतों में से। अच्छा, वहाँ से व्यापारियों का खरीद का माल है जी? ये किसान से खरीद के लाए व्यापारी। अच्छा, फिर मारे जाएंगे तो यहाँ तो आज तो कम से कम कई करोड़ का नुकसान है आज मंडी में। अच्छा जी, ये तो सारी मंडी में डंप लगा पड़ा जी दूर तक आज जी का, पूरा मंडी डंप लगा पड़ा है। हाँ जी, और बाहर गाड़ी देखो वीडियो में जाके। हाँ जी, इतनी गाड़ी बाहर खड़ी है बैलेंस। अच्छा जी, ये सारी लाइन लंबी खड़ी जी, इसके बाद में बाहर भी खड़ी है रोड पे। अच्छा जी, रोड पे भी बाहर खड़ी है, भी बैलेंस बहुत है। ये तो ज्यादा है ना जी फिर? हाँ जी, बहुत ज्यादा आ गया माल। आ तो मैं कहूँ जिसके पास ना भी है उसके पास भी गाड़ी लग रही है सबके, सभी पंसारी बन गए आज। अच्छा जी, आज सबको पंसारी बनाया भगवान ने। अच्छा जी, आई ने पता भी लग जाएगी पता तो आपको, गाड़ी में 75,000 जाएंगे, हमारे तो नहीं है। हाँ जी, हमारे तो किसान की गाड़ी है। अच्छा जी, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और हमारी बिक भी गए, हमारे तो 3 टन माल बचा है। नहीं ज्यादा होगा जी, 3 टन ज्यादा है जी, 3 टन माल है।
अच्छा जी, अच्छा अच्छा, अपना तो बिक गया। अच्छा जी, ऊपर वालों का बाकी मालिक ऊपर वाला, चलो बिक जाएगा जी, उनका भी बेचारों का कोई ना कोई तो आएगा जी, 98 रुपया कम हो जाएगा जी, बिक जाएगा जी। धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, शेरे भाई का, और मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर इनका वही इंग्लैंड की महारानी के मुकाबले का जी, टाइम का जी।